गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए एनकाउंटर में इनामी बदमाश घायल हो गया। बदमाश पर दो जगह से करीब 50,000 का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि बिजनौर का रहने वाला फूल मियां उर्फ रिजवान गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम के पास वारदात अंजाम देने के लिए आया था, लेकिन पुलिस ने जब उसे रोका तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रिजवान घायल हुआ है। सर, कोतवाली इलाके में देर रात मुठभेड़ हुई थी, क्या है पूरा मामला? ये कल देर रात थाना कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम रिजवान और फूल मियां है। ये जनपद बदायूं का हिस्ट्री शीटर है और इस पे बदायूं और संभल जनपद से अलग अलग प्रकरणों में 20,000 और 25,000 का इनाम घोषित है। ये वर्ष 2018 से वांछित चल रहा था। इस पे लूट, डकैती, हत्या के करीब 2 दर्जन मुकदमे हैं। इसे गिरफ्तार करके पूछताछ अभी की जा रही है। यहाँ पे भी ये किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया था, जिस दौरान इसे गिरफ्तार किया। सर, बताया जा रहा है मुठभेड़ के दौरान